साथियों, आज हम लोग समाज चैप्टर से जो पिछले कई वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, उनको देखने वाले हैं, उनको हम लोग आज देखेंगे। हमारा जो विषय है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, कहाँ से? वो हमारे समाज चैप्टर से। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है उपगंगम। यहां पर हम लोग को एक चीज देखना है, यहां पर जो उप शब्द आ रहा है, ये अव्यय है, और जहां कहीं भी अव्यय आ जाता है साथियों, वहां पर हमारा हो जाता है अव्यय भाव समास। जहां कहीं पर अव्यय आ जाता है वहां हो जाता है हमारा अव्यय भाव समास। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा रामाश्रित। हमारा क्या प्रश्न है? रामाश्रित। इसका हमें विग्रह भी देखना है और समास भी देखना है। तो जब हम यहां पर इसका विग्रह देखेंगे, हमारा जो विग्रह आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा रामम आश्रित। वो क्या आ जाएगा? रामम आश्रित। और यहां पर द्वितीय विभक्ति है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। यहां पर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहां पर द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है नीलोत्पलम। वो क्या है? नीलोत्पलम। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? एक है नील, धन उत्पलम, अगर यहां पर हम संधि देखें तो यहां पर गुण संधि हो जाएगी, लेकिन यहां पर हमें बताना है, समास बताना है। तो यहां पर हम जब ध्यान से इसको देखेंगे तो यहां पर हम ये पाएंगे, नीलोत्पलम में नीली आंखें, मतलब यहां पर जो नीला शब्द है वो क्या है? विशेषण है, और उत्पलम उसका विशेष है। और हमने ये पढ़ा है कि जहां कहीं भी विशेषण विशेष आता है समास में, वहां पर हमारा कर्मधार है समास होता है। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो हमारा विग्रह आ जाएगा नीलम चतत उत्पलम। क्या जाएगा विग्रह? नीलम चतत उत्पलम, यह हमारा इसका विग्रह हो जाएगा। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है त्रिभुवनम। यहां पर क्या है? त्रिभुवनम। यहां पर जो त्रि शब्द है वो संख्यावाची है, जिसका अर्थ होता है तीन। जहां पर भी संख्यावाची शब्द आ जाता है वहां पर हमारा द्विगु समास होता है, लेकिन इसका कुछ इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे जहां कहीं भी नदियों का जो है, नदियों के लिए कोई संख्यावाची शब्द वहां पर उपयोग में आएगा तो वहां पर अव्यय भाव समास हो जाएगा, लेकिन यहां पर त्रिभुवनम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं यह आ जाएगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। क्या आ जाएगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। और यहां पर जहां पर भी संख्यावाची शब्द आएगा वहां हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा वहां पर? हो जाएगा हमारा द्विगु समास। जो हमारा चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है वह है चौर भयम। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह है चौर भयम। अब यहां पर चौर से भय, यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर पंचमी विभक्ति आएगी, और यहां पर जो से है चौर से, यहां पर जो पंचमी विभक्ति आएगी वो ये दर्शाती है कि यहां पर तत्पुरुष समास होना ही होना है। और कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। और चौर से भय तो मतलब चौरात भयम, इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा चौरात भयम। उसी प्रकार हमारा छठवां प्रश्न है लंबोदरा। हमारा जो छठवां प्रश्न है वो है लंबोदरा। लंबोदरा गणेश जी को कहते हैं। यहां पर जो इसका विग्रह हो जाएगा, अगर हिंदी में हम लोग देखें, लंबा है उदर जिसका, यानी अर्थात गणेश जी। और यहां पर जब इसका विग्रह हम लोग संस्कृत में देखते हैं वो आ जाएगा लंबम उदरम यस्य स। जहां कहीं भी साथियों यस्य स आ जाता है वहां पर आप जान जाइए वहां पर बहुव्रीहि समास होना है। यदि आप उसका विग्रह करते हैं और वहां पर यस्य स आता है विग्रह में, तो वहां पर पूर्ण निश्चित है कि वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास ही होना है। हमारा जो यहां पर समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हमारा जो सातवां प्रश्न है वो है रक्तोत्पलम। यहां पर क्या हो जाएगा? रक्तोत्पलम। साथियों यहां पर अभी हम लोग ने देखा था नीलोत्पलम, रक्तोत्पलम, नीलोत्पलम दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं आपको। उसी प्रकार या जिस प्रकार वहां पर कर्मधारय समास था, यहां पर भी कर्मधारय समास होगा। और यहां पर जो एक छोटा सा जो परिवर्तन होना है,
यहां पर नीलम लिखा था, यहां पर रक्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां पर नीलम था, यहां पर रक्तम हो जाएगा। बस इतना सा यहां पर परिवर्तन किया गया है। बाकी यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां पर भी चतत उत्पलम अगर हम हटा दें, चतत उत्पलम, ये दोनों हमारा क्या है, सेम है। यहां पर ये दोनों क्या है, समान है। इस प्रकार हम देखते हैं ये दो उदाहरण मिलते जुलते पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि कर्मधारय समास से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है चंद्रशेखरा। हमारा जो प्रश्न अगला प्रश्न है वो है चंद्रशेखरा, अर्थात जिसके भी माथे पर चंद्रमा विराजमान हो, अर्थात हमारे शिव जी। यहां पर जो चंद्रशेखरा, यहां पर जो शब्द है ये किसी विशेष अर्थ को बता रहा है। जिस प्रकार यहां पर लंबोदरा भी किसी विशेष अर्थ को बता रहा है, सीधे उसको जो है किसी एक चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरे किसी अन्य गतिविधि को, अन्य किसी अन्य चीज को यहां पर जो है परिभाषित कर रहा है। जैसे लंबोदरा में गणेश जी को परिभाषित कर रहा है, उसी प्रकार चंद्रशेखरा में शिव जी को परिभाषित कर रहा है। और उसका विग्रह जब हम लोग देखेंगे, उस जिस प्रकार यहां पर यस्य सा आया है, उसी प्रकार यहां पर भी यस्य सा है। यानी अभी तक हम लोगों ने जो देखा, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों समास आपको ध्यान देना है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है शिव केशवो। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शिव केशवो। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है शिव केशवो। शिव केशवो, यहां पर जब हम इसका विग्रह करते हैं वो आएगा शिवस्व केशवस्व, शिवश्च केशवश्च। यहां पर अगर हम इसका ध्यान से देखें, अगर इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं, अगर हम तो उसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, शिव शिव तथा केशव, शिव तथा, शिव तथा केशव, या फिर शिव और केशव। तो जहां पर और का भाव उत्पन्न हो, जहां कहीं भी समास में और का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। साथियों वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। यहां पर देखिए, यहां पर समास विग्रह भी लिखा है, यहां पर समास लिखा है, समास का नाम, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उपकृष्णम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उपकृष्णम। यहां पर हमने देखा था उपगंगम, यहां पर हमने देखा था उपगंगम। क्या देखा था साथियों? उपगंगम। यहां पर आ गया उपकृष्णम, यानी उप अव्यय से प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। साथियों अलग अलग वर्षों में प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। यहां पर यदि उपगंगम पूछा था साथियों, यदि यहां पर उपगंगम पूछा था तो यहां पर उपकृष्णम कर दिया है, बस इतना सा अंतर है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहां पर इसका विग्रह गंगाया समीपम है, उसी तरह इसका विग्रह होगा वो हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। और यहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा साथियों, जिस प्रकार यहां पर पहले प्रश्न में था। इस प्रकार हमारा जो पहला जो यहां पर स्लाइड है, हमारी जो पहली स्लाइड है वो हमारी पूरी तरह कंप्लीट होती है। और ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अब हम चलते हैं यहां पर अपने अगली स्लाइड पर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है निर्मक्षिकम। यहां पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निर्मक्षिकम। साथियों अगला प्रश्न हमारा है निर्मक्षिकम। इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं तो वो आता है मक्षिकाणाम अभाव। क्या आ जाता है साथियों? मक्षिकाणाम अभाव। ये हमारा क्या आ जाता है साथियों? मक्षिकाणाम अभाव। तो यहां पर साथियों हमारा फिर से क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पीतांबरा। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पीतांबरा। साथियों पीतांबरा में यदि हम देखें, इसके विग्रह के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। यदि इसका हम विग्रह करते हैं पीतम अंबरम, यदि केवल हम इसका विग्रह करते हैं, क्या करते हैं साथियों? अगर हम इसका विग्रह करते हैं, केवल ये करते हैं पीतम अंबरम, यदि हम इसका विग्रह करते हैं पीतम अंबरम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। यहां पर आ जाएगा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास इसलिए हो जाएगा साथियों,
क्योंकि यहां पर जो पीतम है ये विशेषण का कार्य कर रहा है और ये जो अंबरम है वो उसका विशेष है। ये पीतम इस अंबरम की विशेषता को बता रहा है कि हमारा जो ये वस्त्र है वो पीला है। इसलिए साथियों अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन देता है वहां पेपर में तो वहां पर पीतम अंबरम कर्मधारय समास होगा, लेकिन यदि यहां पर दूसरा देता है, यहां पर जो दूसरा इसका जो है विग्रह होता है वो होता है पीतम अंबरम यस्य स, जो हमारा साथियों होता है दूसरा विग्रह जो होता है वो होता है पीतम अंबरम यस्य स, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। यहां पर क्या होता है पीतम अंबरम यस्य स, साथियों यहां पर फिर से यस्य स आ रहा है, तो आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस तुरंत जान लेना है कि वहां पर बहुव्रीहि समास होना है, वहां पर बिल्कुल शंका होनी ही नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आता है नील कमलम। बहुत से साथी इसको तो देखते ही तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखना शुरू कर देंगे क्योंकि यहां पर उन्होंने देख लिया है नील उत्पलम रक्त उत्पलम, तो वहां पर जिस प्रकार उनका जो है विशेषण बताया जा रहा था, विशेषता बताई जा रही थी पीतम अंबरम, वहां पर पीतम जो है उसका विशेष विशेषण था, उसी प्रकार यहां पर नील कमलम है और नील जो है कमलम का विशेषण है, यानी कमल कैसा है वो नीला है, तो यहां पर वो आंख बंद करके उसको तुरंत लगा देंगे, क्या हो जाएगा वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा साथियों अपना, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा अपना। और यहां पर जब उसको विग्रह करेंगे तो विग्रह हमारा आ जाएगा नीलम च तत् उत्पलम, क्या आ जाएगा साथियों नीलम च तत् उत्पलम। इस प्रकार साथियों हमने देखा अभी तक हमारे जो ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं बवरी अव्यय भाव तथा कर्मधारय समास से पूछे गए हैं, अभी तक हमने तीन उदाहरण ऐसे देखे हैं जो कर्मधारय समास से आए हैं। आगे भी और भी प्रश्न हैं उन पे हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है साथी उसको देखते ही बता देंगे कि उसमें कौन सा समास है, क्योंकि उसके पहले उन्होंने देखा था उदाहरण शिव केशवौ, उन्होंने क्या देखा था शिव केशवौ, यहां पर लास्ट में यहां पर शब्द के अंत में ओ की मात्रा आती है, ज्यादातर साधारणतः जहां पर ओ की मात्रा आ जाती है साथियों वहां पर तुरंत द्वंद समास हो जाता है, वहां पर तुरंत द्वंद समास हो जाता है। और जब इसका विग्रह हम करते हैं हमारा जो विग्रह आता है वो आता है पार्वती च परमेश्वर च, यहां पर पहले शब्द को अलग करना है फिर दूसरे शब्द को अलग करना है, हमारा क्या हो जाएगा साथियों सबसे पहले हमें पहले शब्द को अलग करना है फिर दूसरे शब्द को अलग करना है और अ के मात्रा हटा के दोनों के साथ च लगा देना है, हमारा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद समास हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा द्वंद समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सीतापति, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है सीतापति, सीता के पति। अब यहां पर क सीता के आ रहा है, यानी साथियों जब हम इसका जो है कारक विभक्ति देखते हैं तो यहां पर सीता के यानी संबंध कारक है यहां पर, और खष्टी यहां पर क्या हो जाएगा खष्टी विभक्ति हो जाएगी, इसलिए यहां पर जो समास होगा वो भी खष्टी तत्पुरुष होगा। और यहां पर जब हम विग्रह करते हैं तो काफी चीजें यहां पर आसान हो जाती हैं कि कौन सा समास है और इसका विग्रह ये कौन सा समास है और कौन सी विभक्ति है। जब हम इसका विग्रह करते हैं सीता के पति तो वहां पर हमारा ये पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर तत्पुरुष समासी है और यहां पर खष्टी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पंचगव्यम, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है पंचगव्यम। साथियों यहां पर हमने क्या कहा था जहां पर भी संख्या बोधी शब्द आ जाएंगे संख्या सूचक शब्द आ जाएंगे वहां पर नदी यदि नहीं है शब्द में तो आप आंख बंद करके उसको द्विगु समास लगा देंगे। यहां पर जो पंच शब्द था साथियों वो क्या है संख्यावाची है और वो बता रहा है पांच हैं, ठीक है। वहां पर जो हमारा शब्द है पंच, हमारा जो पंच शब्द है वो संख्यावाची है और वो पांच को संस्कृत में प्रदर्शित करता है, तो साथियों वहां पर हमें आंख बंद करके तुरंत ये बता देना है कि वहां पर द्विगु समास है। वहां पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों, वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। अब यहां पर हमसे अगर यदि कोई पूछे कि इसका विग्रह क्या होगा इसका समास विग्रह क्या होगा तो आंख बंद करके हमें तुरंत बता देना है कि भैया हमने देखा है यहां पर द्विगु समास है और इसका जो विग्रह होता है वो होता है इस प्रकार से
संख्यानाम गवानाम संख्यानाम समाहारा, इस प्रकार से उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा पंचानाम गवानाम समाहारा, इस प्रकार यहां पर हो जाएगा पंचानाम गवानाम समाहारा। इस प्रकार हमने अभी तक 16 प्रश्न कर दिए हैं साथियों, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी हम लोग और भी प्रश्नों की श्रृंखला लाने वाले हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ते रहिए। आगे के प्रश्नों पर जाने से पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को पूरी तरह लाइक कर दीजिए, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है दामोदरा, हमारा जो अगला प्रश्न आता है दामोदरा। साथियों दामोदरा के पहले हमने एक उदाहरण देखा था लंबोदरा, क्या उदाहरण देखा था साथियों हमने क्या उदाहरण देखा था, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हमने क्या उदाहरण देखा था। हमने देखा था उदाहरण लंबोदरा, इसके पहले हमने क्या उदाहरण देखा था, हमने देखा था लंबोदरा। यहां पर जब हम इसका विग्रह किए थे, यहां पर जब हम इसका विग्रह किए थे क्या था, लंबम फिर उदरम यस्य स, हमारा जो आया था लंबम उदरम यस्य स, हमारा जो इसका विग्रह आया था वो आया था लंबम उदरम यस्य स। तो साथियों जहां पर यस्य स आ गया बाद में, वहां पर हमें कुछ करना ही नहीं है, वहां पर हमको आंख बंद करके तुरंत ये जान लेना है कि बहुव्रीहि समास है। साथियों सबसे पहले हमें जो जानना है वह है उसका विग्रह कैसे करें और विग्रह से हमें समास कैसे पता चलेगा। साथियों यदि आपने विग्रह करना सीख लिया तो कोई भी समास कितना भी कठिन उदाहरण आपको दे दें आप आराम से उसको हल कर ले जाएंगे। यहां पर जब हम इसका विग्रह करते हैं वह है दामम उदरम यस्य स, दामम उदरम यस्य स ये बताता है, यहां पर हमारे लास्ट में जो आ गया है शब्द वो शब्द क्या है, वो शब्द है यस्य स, वो शब्द क्या है साथियों, वो शब्द है यस्य स, वो शब्द यस्य स ये दर्शाता है यहां पर हमें आंख बंद करके बिना कुछ सोचे बहुव्रीहि समास, यदि वहां पर समास पूछता है ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिखता है हमें तुरंत उसको लगा देना है बिना कुछ सोचे समझे। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हरिहरो, हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है हरिहरो। साथियों क्या है अगला प्रश्न, हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हरिहरो। यहां पर साथियों जो जानने योग्य बात है हरिहरो, इसके पहले हमने एक और उदाहरण देखा था पार्वती परमेश्वरो, क्या उदाहरण देखा था साथियों, हमने देखा था पार्वती परमेश्वरो, हमने यहां पर क्या देखा हरिहरो, उसके बाद साथियों हम उसके पहले देख चुके थे पार्वती परमेश्वरो, और उसके भी पहले हम लोग ने जो उदाहरण देखा था वह था शिव केशवो। तीनों उदाहरण जब साथियों आप देखेंगे, तीनों उदाहरण साथियों जब आप देखेंगे तो आपको उसमें एक समानता दिखाई देगी, एक सिमिलरिटी दिखाई देगी, और वो सिमिलरिटी क्या है, लास्ट में अ की मात्रा। साथियों अ की मात्रा जहां कहीं भी आ जाएगी वहां पर तुरंत द्वंद्व समास हो जाएगा, ज्यादातर केसेस में वहां पर क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, शिव केशवो पार्वती परमेश्वरो, और यहां पर जो अभी तुरंत उदाहरण आया हमारा वो है हरिहरो। तो साथियों बिना कुछ जाने समझे हमें यदि वहां पर समास पूछता है तो हमें तुरंत बता देना है कि वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। साथियों कौन सा समास हो जाएगा वहां पर, वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। और उसी तरह जब इसका विग्रह करते हैं तो यहां पर भी हमारा हरिश्च हरश्च आता है। अब हमारे कुछ साथी कहेंगे कि वहां पर तो विसर्ग के बाद च लगता था, वहां पर विसर्ग के बाद च लगता था, यहां पर तो हरिश्च लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, हरिश्च लिखा है। साथियों हरिश्च लिखा है और हरश्च लिखा है, हरिश्च लिखा है हरश्च लिखा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर हमारी विसर्ग संधि हो रही है, जहां पर विसर्ग का श हो जाता है, यहां पर जो अगर यदि हम संधि विच्छेद करेंगे हरिश्च और हरश्च का तो हमें वही शब्द मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। साथियों वहां पर जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर जो संधि हो रही है हरिश्च में संधि है, यहां पर जब उसका संधि विग्रह करते हैं तो वो क्या आता है हरि धनच, क्या आता है साथियों हरि धनच, यहां पर जो हमारा जो उसका संधि विच्छेद है वो है
हरिधन च। तो साथियों यहां पर हम लोग विसर्ग संधि का एक उदाहरण भी यहां से देख लेते हैं। तो साथियों हम अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरिहरो हमारा हो गया था, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है प्रतिदिनम। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वह है प्रतिदिनम। साथियों यहां पर जो प्रति है वो क्या है, अव्यय है। साथियों आप सभी जानते हैं जो हमारा प्रति शब्द है वो अव्यय है। हमारा जो प्रति शब्द है यहां पर वो अव्यय है। तो साथियों जहां कहीं भी अव्यय आ जाएगा वहां पर बिना जाने समझे हमें अव्ययी भाव समास लगा देना है। यहां पर आप किनारे देख सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। साथियों कौन सा समास हो जाएगा साथियों, वहां हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब वहां पर जो बात आती है, जब इसका हम इसका जब विग्रह करते हैं, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं साथियों, वो हमारा आता है दिने दिने। हमारा क्या आता है साथियों, समास विग्रह हमारा क्या आता है, वो आता है दिने दिने। अगला प्रश्न साथियों हमारा जो है वो है राजा प्रसाद। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है राजा प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है साथियों राजा प्रसाद। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो साथियों वो आ जाता है राजा का प्रसाद। इसी प्रकार हमने इसके पहले जो हमारा सीतापति शब्द था, हमारा जो सीतापति शब्द था वहां पर भी हमने देखा था सीता के पति यानी भगवान राम, सीता के पति। यहां पर जो राजा राज प्रसाद है शब्द, हमारा जो शब्द राज प्रसाद है वो उसका जब हम विग्रह करते हैं वो आ जाएगा राजा का प्रसाद हिंदी में, और संस्कृत में जब करेंगे राज्ञा प्रसाद क्या आ जाएगा साथियों, वो आ जाएगा राज्ञा प्रसाद। और साथियों जब हम इसका जब हम यहाँ पर समास देखेंगे, जब यहाँ पर पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर विभक्ति का प्रयोग है, राजा का प्रसाद खष्टी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो आंख बंद करके हमें खष्टी तत्पुरुष लगा देना है साथियों। और अगर ऑप्शन में खष्टी तत्पुरुष नहीं दिया गया है तो हम वहां पर तत्पुरुष समास लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों, तत्पुरुष समास लगा देंगे। इस प्रकार हमारी दो स्लाइड 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। आगे हम 10 प्रश्न और देखेंगे और 30 प्रश्न इस वीडियो में, और अगला जो आपका लेक्चर आने वाला है उसमें 30 प्रश्न और कराए जाएंगे साथियों। आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हमारा जो अगला प्रश्न आता है साथियों वो आता है कृष्णार्जुनो। साथियों यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारा लास्ट में अ की मात्रा है साथियों। कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा है। और हम मैंने आपको अभी इसी वीडियो के शुरुआती लेक्चर में अभी शुरू में आपको बताया था, जहां कहीं भी अ की मात्रा आ जाए साथियों, जहां कहीं भी अ की मात्रा आ जाए साथियों वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा साथियों। कौन सा समास हो जाएगा साथियों, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हमारा वो कृष्णस्य अर्जुनस्य आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा, कृष्णस्य अर्जुनस्य आ जाएगा हमारा विग्रह। क्या आ जाएगा साथियों, कृष्णस्य अर्जुनस्य आ जाएगा। यहां पर यह बात हमें ध्यान देनी है साथियों, यहां पर भी ठीक उसी प्रकार वृद्धि विसर्ग संधि का प्रयोग हो रहा है जिस प्रकार हरिहरो में हुआ था। जिस प्रकार हरिहरो में हुआ था वहां पर हरिश्च हो गया था, हरश्च हो गया था, उसी प्रकार यहां पर भी कृष्णश्च अर्जुनश्च हो रहा है साथियों। यहां पर बिल्कुल भी कोई नई चीज नहीं आई है, ये हमने अभी पिछले उदाहरण में देखा था साथियों। अब हमारा जो अगला उदाहरण है वह है नागभूषणा। हमारा जो क्या है अगला उदाहरण वो है नागभूषणा, यानी नाग का आभूषण जिनके पास है, यानी जो नाग को ही आभूषण बना लेते हैं, नाग को ही आभूषण के रूप में धारण करते हैं, ऐसे कौन है, भगवान शिव हैं। ऐसे साथियों कौन है हमारे, ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। अब साथियों भगवान शिव को यहां पर पूरी तरह स्पष्टता न कहकर नागभूषणा कहा गया है। तो उस प्रकार यदि यहां पर हम देखें, यहां पर जब इसका विग्रह करेंगे तो जाएगा नागभूषणम यस्य स, नाग ही आभूषण है जिसका। यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, नागभूषणम यस्य स, यानी जिसका नाग ही आभूषण है, ऐसे हमारे कौन है साथियों, ऐसे हमारे भगवान शिव हैं।
ऐसे कौन से साथी हो हमारे, ऐसे हमारे भगवान शिव हैं कि यहां पर आंख बंद करके आपको तुरंत जो समास यदि उसमें पूछता है तो आपको तुरंत आंख बंद करके बता देना है कि वहां पर बहुव्रीहि समास होना है, वहां पर बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है साथियों। वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा वहां पर, वहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, यहां पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है साथियों। हमारा जो अगला उदाहरण है वह है हमारा राजपुरुषः। हमारा क्या है साथियों, हमारा जो अगला उदाहरण है वो है राजपुरुषः। क्या है साथियों, वो है राजपुरुषः। साथियों इसके पहले भी हमने जो एक ऑप्शन देखा था, एक और उदाहरण देखा था, वो था राजप्रसादः। साथियों क्या था उदाहरण, वो था राजप्रसादः। साथियों यहां पर जो राजप्रसादः है और यहां पर जो राजपुरुषः है, आपको इनमें एक समानता देखने को मिलेगी, इनमें एक समानता देखने को मिलेगी। राज इसमें भी है, राज उसमें भी है, दोनों में क्या है, राज है। और साथियों वहां पर पुरुषा है, वहां प्रसाद है, राज प्रसादा का जब विग्रह राज्ञा प्रसादा हो रहा है तो राज पुरुषा का भी जो विग्रह होगा वो भी राज्ञा पुरुषा भी होगा साथियों। वहां पर बिल्कुल परिवर्तन नहीं है, दोनों एक ही तरह के उदाहरण है, उसमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो हम विचार करने योग्य बात है वो ये है कि दोनों उदाहरण बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो जिस प्रकार से उसका विग्रह हो रहा है उसी प्रकार से इसका विग्रह होगा, जिस प्रकार से उसका विग्रह हो रहा है उसी प्रकार से इसका विग्रह होगा राज्ञा पुरुषा। और यहाँ पर भी खष्टी तत्पुरुष आ जाएगा साथियों, यहाँ पर भी खष्टी तत्पुरुष आ जाएगा साथियों। हमारा जो अगला है, हमारा जो अगला उदाहरण है वह है पितरौ। साथियों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, यहाँ पर पितरौ जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये पूछा भी जाता है साथियों, ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाता है। यहाँ पर दो शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि साथियों यदि इसका हम विग्रह करते हैं, साथियों यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो आ जाएगा माता च पिता च, माता च पिता च इसका विग्रह आ जाएगा साथियों। लेकिन लेकिन यहां पर भी मात पितरौ लिखने की जगह इसको सीधा सीधा पितरौ लिख दिया गया है, इसको सीधा सीधा पितरौ लिख दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और भूलना नहीं है साथियों। यहां पर जो यदि समास पहचानने की बात आती है, यदि समास पहचानने की बात आती है तो इसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक जो बता दी है कि जहां कहीं भी औ की मात्रा आपको दिख जाए साथियों, जहां कहीं भी औ की मात्रा साथियों आपको दिख जाए वहां आंख बंद करके आपको द्वंद्व समास लगा देना है। और यहां पर हम क्या देखते हैं साथियों, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर औ की मात्रा है, यहां पर हम क्या देखते हैं साथियों, यहाँ पर अ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यदि वहां पर समास पूछता है हमें तुरंत द्वंद्व समास लगा देना है बिना कोई विचार किए। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर वो आता है महाबाहु। साथियों यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है महाबाहु। यहाँ पर साथियों उच्चारण में ध्यान देंगे, यहाँ पर महाबाहु नहीं है, यहाँ पर महाबाहु है, यहाँ पर लास्ट में विसर्ग है, महाबाहु इसका उच्चारण होगा। और जब अब इसका समास विग्रह करते हैं साथियों आता है महंतो बाहु यस्य सः, क्या विग्रह आता है साथियों, महंतो बाहु यस्य सः, क्या आता है, महानतो बाहु यस्य सः, मैंने थोड़ा उच्चारण में गलती की थी साथियों, वो हो जाएगा महानतो बाहु यस्य सः। साथियों यहां पर जो लास्ट में हम क्या देखते हैं, जब इसका विग्रह करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर यस्य सः आया है साथियों, यस्य सः आया है, यह सिद्ध करता है कि यहाँ पर हमें बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके, यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा देना है साथियों। यदि वहां पर समास पूछा है हमें क्या लगा देना है साथियों, बहुव्रीहि समास लगा देना है, वहां पर हमें बिल्कुल भी विचार नहीं करना है साथियों। इस प्रकार आपकी 25 प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर होती है, 25 प्रश्न आपके हो चुके हैं, अगले वाले प्रश्न पे हम चले। उसके पहले मैं चाहूंगा आप सभी अपना जो है प्यार, अपना जो है दुलार इस चैनल को देते रहें,
शिक्षा दृष्टि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए वीडियोस को। ये आपका चैनल है, बस आप ही के लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है। शिक्षा दृष्टि चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, इसका एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा फ्री वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा फ्री वीडियो सबके पास पहुंच पाए, जिससे सबकी तैयारियों में चार चांद लग सके। साथियों, एक नाम याद कर लीजिए, शिक्षा दृष्टि। संस्कृत के अतिरिक्त यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट के भी वीडियो लोड होते रहते हैं साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में यह चैनल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। साथियों, वीडियोस के प्लेलिस्ट भी आप ज्यादा से ज्यादा जाकर देखें, वहां पर प्रश्नों की पूरी श्रृंखला, संस्कृत के भी और शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्नों की पूरी श्रृंखला दी गई है। तो जो साथी आपके शिक्षा शास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, और संस्कृत की तैयारी करने वाले साथियों तक भी वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है श्वेताश्व। वो क्या है साथियों? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है श्वेताश्व। यहां पर साथियों, जब हम इसका विग्रह करते हैं साथियों, तो आ जाता है हमारा श्वेता चासो अश्व। यहां पर साथियों, यहां पर ध्यान देना है आपको, यहां पर ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, और ये आपको इस तरह के उदाहरण पेपर में मिल सकते हैं। कई बार वो लीक से हटकर प्रश्न पूछते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको मिलते हैं तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इन तरह के प्रश्नों को आपको अपने दिमाग में रखना है, इन तरह के प्रश्नों को भूलना नहीं है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा है जितेंद्रिया। बहुत ही विख्यात हमारा उदाहरण है ये, जितेंद्रिया हमारा बहुत ही विख्यात उदाहरण है, और इसको जो पढ़े रहते हैं, यदि कोई तैयारी नहीं भी किया रहता है, तो 6, 7, 8 की किताबों में भी जहां कहीं भी समास दिया रहता है साथियों, वहां पर ये शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण में जरूर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो जरूर बचपन में ही हमको देखने को मिल जाते हैं, 5वीं 6वीं कक्षा में देखने को मिल जाते हैं। जितेंद्रिय हो गया, दशानन हो गया, तो साथियों वहां पर आपको बिल्कुल भी आंख बंद करके जब इसका समास विग्रह करते हैं, तो आ जाता है जीतान इंद्रियाणि येन स। अब यहां पर साथियों, यहां पर येन शब्द आया है, यस की जगह येन शब्द आया है, इसको ध्यान देना है साथियों। पेपर में यस स भी दे देंगे, जीतान इंद्रियाणि यस स और जीतान इंद्रियाणि येन स। साथियों, यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो आ रहा है वो क्या है, येन शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों वो आ रहा है येन शब्द। तो पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए येन की जगह यस भी उदाहरण में वहां पर ऑप्शन में दे सकते हैं, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है, और इस तरह के उदाहरणों को आपको पूर्ण रूप से दिमाग में रखना है, ये भूलने नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे उदाहरण होते हैं साथियों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा साथियों, यहां पर फिर से एक बार बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अभी मैं 30 प्रश्नों को कराने के बाद आपको एक जनरल व्यू देता हूं कि कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। अब यहां पर हमारा जो अगला प्रश्न आता है साथियों वो आता है निर्जनम। वो आता है साथियों निर्जनम। यहां पर जब हम इसका विक्रय करते हैं, तो जना नाम अभाव। यहां पर साथियों, एक बात हमें ध्यान देनी है साथियों, वो क्या है, वो यह है साथियों कि यहां पर निर्जनम में साथियों, मैं लिख देता हूं यहां पर निर्जनम शब्द है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे साथियों, एक चीज हमको ध्यान में देखने को मिलती है वो यह है कि निर शब्द यहां पर जो है साथियों वो अव्यय है।
साथियों यहां पर जो निर शब्द है वो क्या है, अव्यय है। और हमने ये पहले ही बोला था, हम ये पहले से जान चुके हैं, जहां भी अव्यय आ जाए साथियों, जहां पर भी अव्यय आ जाए साथियों, जहां पर भी अव्यय आ जाए वहां पर हमें सोचना भी नहीं है बिल्कुल साथियों, यहां पर हमें बिल्कुल सोचना नहीं है। जहां कहीं भी अव्यय आ जाता है साथियों, वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा साथियों हमारा, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव साथियों, अव्ययी भाव से प्रश्न लगातार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वहां पर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। आइए यहां पर हम इसका जब विग्रह देखते हैं साथियों, तो हमारा विग्रह आ जाता है, ये हमारा विग्रह क्या आ जाता है साथियों, वो आता है जना नाम अभावा, यानी लोगों का अभाव। यहां पर क्या है जना नाम अभावा, यहां पर जब हम इसका विग्रह करते हैं साथियों, यहां पर जना नाम अभावा आता है। और यहां पर जो हमारा समास हो जाएगा साथियों, हम लोग बता चुके हैं, ये हम लोग जान चुके हैं, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं कि जहां कहीं भी अव्यय आ जाएगा साथियों, वहां आंख बंद करके अव्ययी भाव समास होगा साथियों, अव्यय से ही अव्ययी भाव समास बना है साथियों, इसका हमें ध्यान देना है। और उदाहरण जो आप देख रहे हैं उस पे गौर फरमाना है साथियों, उदाहरण को भूलना नहीं है। इस प्रकार के आपको इतने तरह के उदाहरण करा दिए जा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपकी तैयारी को सबसे ऊपर ले जाएंगे साथियों, जहां पर आप दूसरों से 5 से 6 कदम आगे रहेंगे साथियों और उनसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न जो हमारा है वो हम लोग देखते हैं, वो है हमारा यथाशक्ति साथियों। जो अगला प्रश्न है हमारा क्या है यथाशक्ति साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है क्या है वह है यथाशक्ति साथियों। यथाशक्ति यहां पर ये जो जानने का विषय है साथियों, यहां पर जो जानने का विषय है साथियों वो ये है कि इसका जो विग्रह होता है साथियों वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए ये यथा अव्यय जहां लगता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे हमारे उदाहरण वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाते हैं साथियों। यहां पर हम जब देखते हैं कि इसके विग्रह में जो शब्द आता है वो आता है अनतिक्रम्य साथियों, कौन सा शब्द आता है वो आता है अनतिक्रम्य साथियों। ये बात आपको ध्यान देनी है, जहां भी यथा शब्द आएगा साथियों, जहां भी यथा शब्द आएगा वहां पर आपको अनतिक्रम्य शब्द का उपयोग करना है विग्रह में। वहां पर यथा के बाद जो शब्द लिखा रहेगा उसको उसका जो है द्वितीय विभक्ति लेकर वहां पर आपको अनतिक्रम शब्द लगा देना है। और यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव समास हमारा हो जाएगा साथियों, यहां पर हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा साथियों वो है राजदंड, हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है राजदंड, हमारा साथियों अगला प्रश्न है राजदंड। यहां पर साथियों अब आप सभी इसका कमेंट में उत्तर देंगे, यहां पर कमेंट में आप सभी आंसर तो यहां पर देख ही रहे हैं, फिर भी आप लोग यहां पर पहले 3 से 4 उदाहरण आप देख चुके हैं, राजपुरुष राजप्रसाद, उसी प्रकार यहां पर राजदंड है। आंख बंद करके आप जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका जो विग्रह आ जाएगा वो आ जाएगा राज्ञदंड, और यहां पर जो विभक्ति आ जाएगी वो आ जाएगी खष्टी तत्पुरुष, वहां पर भी खष्टी तत्पुरुष थी, यहां पर भी खष्टी तत्पुरुष होगी साथियों। अब हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों, एक मिनट, हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वह है हमारा राजदंडा के बाद देवासुरो साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न क्या है देवासुरो, देव धन असुरो। यदि इसका हम संधि देखें तो यह क्या हो जाएगा देव धन असुरो, परंतु साथियों यहां पर हमारा जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा देवश्च असुरश्च साथियों। यहां पर बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान सा यहां पर उदाहरण है, देवासुरो लास्ट में औ की मात्रा है साथियों, कौन सी मात्रा है साथियों, लास्ट में औ की मात्रा है साथियों, लास्ट में औ की मात्रा है, और औ की मात्रा है यानी हम तुरंत पहुंच जाएंगे कहां पर साथियों, कहां पर पहुंच जाएंगे हम तुरंत द्वंद समास पर पहुंच जाएंगे साथियों। यहां पर कौन सा हो जाएगा समास, यहां पर हो जाएगा द्वंद समास, यहां पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों, यहां पर हो जाएगा द्वंद समास। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है यहां पर, आज आप लोग को 34 प्रश्न कराए जाएंगे साथियों, बाकी जो आगे के जो है
आगे आगे आपको 35 प्रश्नों की और श्रृंखला अगले वीडियो में मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। यहां पर जो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, देवासुरों के बाद वो आ जाता है अनु विष्णु। साथियों क्या आ जाता है, वो आ जाता है अनु विष्णु। साथियों यहां पर अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। साथियों यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखें, यदि वहां पर यथा लगता है, किसी शब्द में यथा लगता है, तो विग्रह में अनतिक्रम यूज होगा। साथियों क्या क्या यूज होगा, यदि यहां पर यथा लगता है। साथियों यदि यहां पर यथा लगता है तो यहां पर अनतिक्रम यूज होगा। क्या होगा साथियों, अनतिक्रम में, रुकिए मैं नीचे लिख देता हूं, यदि यहां पर यथा यूज हो रहा है तो यहां पर अनतिक्रम यूज होगा। साथियों विग्रह में, यहां पर विग्रह में अनतिक्रम यूज होगा साथियों, सॉरी। उसके बाद साथियों ये तो हमारा पहला हो गया। यहां पर साथियों इसके बाद जो आता है हमारा, इसके बाद यथा के साथ अनतिक्रम्य, और साथियों एक चीज जो और हमें ध्यान देनी है वो यह है, अनु यदि आता है साथियों, यदि वहां पर अनु आता है, क्या आता है साथियों, अनु आता है, अनु शब्द आता है, तो उसके विग्रह में हमें पश्चात हलंत के साथ, पश्चात हलंत के साथ उपयोग करना है। साथियों अव्ययी भाव के समास के उदाहरण आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर अव्यय के अनुसार उसके विग्रह में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है साथियों। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण पढ़ के जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में आपके वो वहां पर प्रश्न देखते ही वो याद आ जाएगा, हाँ मैंने इस तरह का उदाहरण पढ़ा है, तो आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको स्कोर कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं साथियों। अनु विष्णु जब इसका हम लोग करते हैं साथियों, विग्रह करते हैं, तो वहां पर आ जाता है विष्णु पश्चात, क्या आ जाएगा साथियों हमारा, वो आ जाएगा विष्णु पश्चात, ये इसका विग्रह हो जाएगा साथियों। और यहां पर यदि हम समास देखते हैं तो साथियों हमारा जो समास है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा साथियों, हमारा जो समास हो जाएगा साथियों वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा साथियों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास यहां पर हो जाएगा साथियों। आइए हम अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पाणिपादम। वह हमारा क्या साथियों प्रश्न, वह है पाणिपादम साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है यहां पर वह है पाणिपादम, पाणिपादम हमारा जो है अगला प्रश्न है। इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं तो यहां आ जाता है पाणिच पादौ च। अब साथियों यहां पर एक बात आपको यहां पर ध्यान देनी है, अब तक हमने जो द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण देखे हैं वहां पर साथियों लास्ट में औ की मात्रा आ रही थी साथियों, वहां पर कौन सी मात्रा आ रही थी साथियों, औ की मात्रा आ रही थी। परंतु यहां पर हम देखते हैं, जब यहां पर जब हम देखते हैं यहां पर हमारा लास्ट में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है साथियों, हमारा कौन सा प्रयोग है साथियों, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। और लेकिन इसका जब हम विग्रह करते हैं पाणिच पादौ च, ये सिद्ध करता है कि यहां पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों, हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा साथियों। यहां पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा द्वंद समास। और इस उदाहरण को भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, इस उदाहरण को भी आपको साथियों ध्यान में रखना है। इस प्रकार कुछ ऐसे प्रश्न है जिनको, जिनके उदाहरण को आप एक जगह लिख लीजिए, जो सबसे सबके उदाहरण से सबके समास विग्रह, जिनके समास विग्रह और सबसे थोड़ा हटकर हैं, उनको आप एक जगह लिख लीजिए और पेपर में जाते समय, पेपर में जाते समय जाने से पहले उन उदाहरण को देख कर जाइए, क्या पता उसी का मिलता जुलता उदाहरण आपका वहां पेपर में आ जाए। और पूरे चांसेस बनते हैं साथियों, जो थोड़ा अलग एग्जाम्पल होता है उसको पेपर में अक्सर पूछा जाता है साथियों, वो अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप उन उदाहरण को एक जगह लिख के जहां पढ़ते हैं वहां पर रख के उसको ध्यान देंगे, उसका रिवीजन करेंगे। हमारे जो साथियों अगला प्रश्न है, हमारा जो साथियों अगला प्रश्न है वह है राम लक्ष्मणाओ। साथियों क्या है राम लक्ष्मणाओ, इसको तो आंख बंद करके आप तुरंत बता देंगे कि यहां पर हमको सोचना ही नहीं है, लास्ट में औ की मात्रा है, यहां पर लास्ट में औ की मात्रा है, तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे,
हम यहां सोचने के बजाय अपने और प्रश्नों में अतिरिक्त समय देंगे, लेकिन यहां नहीं सोचेंगे क्योंकि यहां पर अ की मात्रा आ रही है साथियों, यहां पर लास्ट में अ की मात्रा आ रही है। और आपने ये वीडियो देखा है और आप ये ट्रिक जानते हैं, जहां कहीं भी अ की मात्रा बाद में आएगी, जहां कहीं भी अ की मात्रा आ जाएगी साथियों बाद में, जहां कहीं भी अ की मात्रा आ जाएगी साथियों बाद में, वहां पर हमारा हमेशा द्वंद समास होगा साथियों। क्या होगा? वहां पर हमारा द्वंद समास होगा। इस प्रकार साथियों यहां पर आपका 34 प्रश्न यहां पर पूरे होते हैं साथियों, यहां पर 34 प्रश्न पूरे होते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में लाइक लिखिए, थम्सअप दीजिए, और यहां पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ये सिद्ध करिए कि आज के ये 34 प्रश्न आपको 100% तैयार है साथियों। कितने तैयार है साथियों? आपको ये 100% प्रश्न तैयार हैं, आपको 100% प्रश्न ये तैयार हैं। और यदि इनमें से प्रश्न आता है, आप पूर्ण रूप से कर ले जाएंगे साथियों, पूर्ण रूप से आप कर ले जाएंगे। इस आत्मविश्वास के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। हम अब यहां पर आपको कुछ जो साधारण जो जानकारियां देनी है आज के सेशन से जुड़ी हुई, वो ये देनी है साथियों। आज हमने कुछ अलग अलग तरीके के उदाहरणों को भी देखा है, जैसे जहां कहीं भी यथा आ जाएगा तो वहां पर आपको अनतिक्रम यूज करना है, जहां कहीं भी अनु आ जाएगा उसके विग्रह में आपको पश्चात यूज करना है, जहां पर भी विग्रह देके आपसे समास पूछे और उस विग्रह में चतत आ जाए और बाद में द्वितीय विभक्ति हो तो वहां पर कर्मधारय समास होगा, जहां कहीं भी यस्सा आ जाए साथियों, क्या आ जाए साथियों, जहां कहीं भी यस्सा दे दें, एग्जाम में कहीं भी विग्रह देके समास पूछ लें और यस्सा है, वहां पर साथियों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जहां कहीं भी विशेषण विशेष आता है साथियों, वहां पर कर्मधारय समास होगा। जहां पर ना का बोध साथियों, वहां पर न तत्पुरुष समास होगा साथियों। यहां पर जो आज का जो निष्कर्ष है साथियों, समास को लेकर ज्यादा प्रश्न कहां से आ रहे हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है द्वंद समास पर साथियों, द्वंद समास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर संधि ना करके, विसर्ग संधि ना करके सीधे वैसे दे देगा आपको। जहां पर संधि दी गई होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे, यदि वहां पर संधि नहीं दी गई है तो आप तब जाके बिना संधि वाला सेलेक्ट करेंगे साथियों, इतना ध्यान रहे। द्वंद समास आता है। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आता है साथियों, वो है हमारा अव्ययी भाव समास। हमारा क्या आता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को आपको ध्यान में रखना है साथियों। जितने ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल पढ़ के जाएंगे, उतना ज्यादा आप पेपर में और सबसे आगे रहेंगे और उसका आपको वहां पर फायदा मिलेगा साथियों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस आप लोग करिए। उसके बाद हमारा जो हमारा समास आ जाता है वो आता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास के बाद तत्पुरुष समास साथियों। ये मेन हमारे जो चार हैं, इन्हीं से ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं साथियों। दीर्घ समास से भी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं साथियों, दीर्घ समास से भी हमने अभी ज्यादा प्रश्न नहीं देखे हैं। क्या पता आपको अगले सेशन में दीर्घ समास के प्रश्न और ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में मिल जाएं। यदि आप कमेंट सेक्शन में जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उसको कमेंट करिए। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपकी मदद करने के लिए शिक्षा दृष्टि चैनल हमेशा आगे है, इसलिए निसंकोच होकर आप कमेंट करिए। यहां पर हमको जो एक बात और ध्यान में रखनी है साथियों, वो मैं आज आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है साथियों, ये द्विगु शब्द है। हम लोग द्विगु समास पढ़ते हैं साथियों, द्विगु समास पढ़ते हैं, लेकिन इस द्विगु शब्द में कौन सा साथियों, इस द्विगु शब्द में कौन सा समास है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। इसमें कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है, और विग्रह भी बताना है साथियों, आपको विग्रह भी बताना है इसका। तो आप इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो है, और इसका उत्तर आप जो है, यदि आपको नहीं आ रहा है आप सर्च करिए, इसके बारे में जानिए, लेकिन कमेंट करिए साथियों। इससे क्या होगा, इसी बहाने आपको एक और उदाहरण तैयार हो जाएगा साथियों। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद
शिक्षा दृष्टि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके इसके सारे प्लेलिस्ट को अपने आवश्यकता अनुसार चेक करिएगा, और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद। इसी शुभकामना के साथ आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा, आप लोग अपनी तैयारी मजबूत करेंगे और आने वाले पेपर में सबसे आगे शिक्षा दृष्टि चैनल के छात्र होंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद साथियों, जय हिंद।